हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द फ्री एथिक्स फाउंडेशन कोर्स बाय अल्फा ईएस एकेडमी एंड वी आर एट द पार्ट टू ऑफ लेक्चर 9. टुडे वी शैल बी स्टडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ऑल्सो द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड हाउ इज इट गोइंग इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया. तो पर्टिकुलरली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वील लर्न अबाउट इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, और दोनों डिफरेंस होते हैं. इंडिया में बहुत ज़्यादा ओवरलैप है इन दोनों चीज़ों में. तो देखो यार, इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीपल की पार्टिसिपेशन के लिए, है ना. एक डेमोक्रेसी में या एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कि और जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि देखो यार, ये जब आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रभाव देना है तो ये इन्फॉर्मेशन के बिना तो होगी नहीं. जब आदमी के पास नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्या बोलेगा और क्या समझेगा. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो पब्लिक डोमेन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. इनफैक्ट जैसे यूएस में भी आप चले जाओ, इनफैक्ट उनके जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 20 साल के बाद पब्लिक कर देते हैं. तो उनका क्लासिफाइड मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी तक के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो लोग पब्लिक करते हैं. तो उससे क्या होता है कि वो पब्लिक डोमेन में नॉलेज जाती है, दैट स्ट्रेंथन्स योर डेमोक्रेसी. दस ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग आर द टू इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी, है ना. एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाई पब्लिक बॉडीज, है ना. आपको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की मुझे फ्रीडम, मैं कब बोलूँगी मुझे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मुझे बिजली विभाग से कुछ नॉलेज चाहिए कि कितने घंटे मेरे एरिया में लाइट गई, कितनी जगह लोड शेडिंग हुई या कितनी देर तक लोड शेडिंग हुई. ये सब नॉलेज जो है पब्लिक, पहले तो उनके पास होनी चाहिए देने के लिए. यही जो है नेगेटिव क्रिटिक भी है कि कई बार हम नॉलेज या इन्फॉर्मेशन तो मांग लेते हैं लेकिन पब्लिक बॉडीज़ के पास वो इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है. ठीक है, दस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन से आती है, है ना, कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड दस इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय रेजोल्यूशन 59 ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड इन 1946 और हमारे आर्टिकल 19 में है. इनफैक्ट आर्टिकल 19 के UDHR के आर्टिकल 19 में भी है ये. ठीक है, इनफैक्ट जो हम पिछले लेक्चर या पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेकंड ARC की रिपोर्ट थी, फर्स्ट रिपोर्ट थी, तो वो कहता है यार देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द मास्टर की टू गवर्नेंस. क्योंकि ये देखा गया कि 2005 में जब RTI आया तो करप्शन के केसेस नीचे हो गए. ठीक है, करप्शन के केसेस नीचे चले गए क्योंकि एक चेक की तरह काम किया RTI ने. भाई लोग पहुंचाते थे, अरे बताओ भैया ये काम आपने कितने रुपए में किया, अरे भैया ये आप 2000 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए थे, आपने ये पैसे कहाँ लगाए, तो जवाब देना भारी हो गया पब्लिक ऑफिशियल्स को. पब्लिक ऑफिशियल बोला भैया सही काम जो है सही तरीके से करो, लोगों के पास पावर है कि वो हमसे चीज़ें या इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो इनफैक्ट गुड गवर्नेंस के भी चार एलिमेंट्स हम लोगों ने माने कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड पार्टिसिपेशन होनी चाहिए. लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा, पब्लिक ऑफिशियल का लोगों का आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए और उन सबका आपस में जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए पूरी गवर्नेंस सिस्टम में. तो कैसे काम करेगा, आपने इन्फॉर्मेशन दी पब्लिक डोमेन में, उससे क्या प्रमोट हुई, ट्रांसपेरेंसी. और जब ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी तो वो किसे प्रमोट करेगा, अकाउंटेबिलिटी को. ये मैं आपको समझा चुका हूँ. देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. अब राइट टू इन्फॉर्मेशन, देखो इंडिया में जो मैक्सिमम लेजिस्लेशन है वो आते सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से हैं. तो एक मिस्टर कुलवल वर्सेज जयपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कैटेगोरिकली बोला कि that the freedom of speech and expression provided under Article 19 of the Constitution clearly implies right to information, as without information the मतलब right to freedom of speech and expression के under right to information भी है, क्योंकि information के बिना freedom of speech and expression cannot be fully used by the citizens. and later इसको ज़्यादा shape दिया गया कि इसमें right to information act 2005 में. इनफैक्ट Tamil Nadu was the first state in India where such kind of legislation was introduced, where public bodies were liable, made liable to provide information to the public when they demanded. तो कुछ कोर्ट्स पढ़ लेते हैं अच्छे अच्छे से. तो वुड्रो विल्सन थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा करप्शन थ्राइव्स एज ऑन सीक्रेट प्लेसेज एंड इज अवॉइडेड इन ओपन प्लेसेज, है ना. जो है बंद कमरों में ही करप्शन किया जाता है, खुले में करप्शन नहीं किया जाता क्योंकि लोग देख लेंगे. ये मैंने अपने आप से दौड़ा, ये वुडलो विल्सन ने नहीं बोला था,
देन RTI हैज़ लिबरेटेड इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम. ये मेरे ख्याल से सुभाष अग्रवाल जी ने बोला था. ये RTI एक्टिविस्ट थे बहुत बड़े, ठीक है. देन RTI मार्क्स द एरा ऑफ बिगनिंग ऑफ लाइट एंड एंड्स द एरा ऑफ डार्कनेस. ये सेकेंड ARC ने बोला. अब हम सेकेंड ARC को ARC 2 लिख दिया है हमने, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है. तो यहाँ पे इस ARC 2 का मतलब आगे पूरी स्लाइड्स में सेकेंड ARC है. नाउ जस्टिस PN भगवती थे वेरी ब्रिलियंट जज. तो उन्होंने बोला कि वेयर अ सोसाइटी हैज़ चूजन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज इट्स क्रीडल फेथ, इट इज़ एलिमेंट्री दैट सिटीजन्स ऑट टू नो वट देयर गवर्नमेंट इज डूइंग. तो बहुत ज़रूरी है कि लोग जाने कि उनकी गवर्नमेंट क्या करनी है, क्या कर रही है, ठीक है. तो ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे आया. हाँ, और कुछ, क्योंकि देखो यार, आपको एग्ज़ाम में पेपर में लिखना भी है आंसर, तो ये सब मस्त मस्त स्टार्टिंग के लिए या एंड में या कहीं बीच में पुटअप करने के लिए, है ना, पुडिंग ऑन दी केक या चेरी ऑन दी केक वाली बात हो जाती है. देन फिलॉसफी है भाई, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन किस फिलॉसफी से आता है. तो ये इस फिलॉसफी से आता है कि भाई सिटीजन जो है मास्टर्स हैं, सर्वेंट्स नहीं है, सिविल सर्वेंट्स हैं. इसलिए CS सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है. सिविल मास्टर्स बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इज अ सिविल मास्टर, नो इज अ सिविल सर्वेंट, है ना. इनफैक्ट हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी क्या बोला कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, ठीक है. तो सिटीजन्स आर मास्टर्स एंड नॉट सर्वेंट्स. और अब जब सिटीजन मास्टर हैं तो मास्टर हैज़ राइट टू नो, है ना. दस नॉलेज इज कंसिडर्ड पावरफुल, दैट्स वाई ब्यूरोक्रेसी इज पावरफुल. इट डज नॉट शो नॉलेज बिकॉज सीक्रेसी, करप्शन एंड मैन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो लोग नॉलेज को जो है छिपाते हैं, पब्लिक में नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पोल खुल जाएगी. क्योंकि यार देखो, जहाँ काम सही होता है वहाँ ओपननेस होती है. जब आपने, यार देखो बताओ ना, कि जब आपने कोई काम सही कर रखा तो आप डरोगे क्यों, है ना, किससे डरना और क्यों डरना, ठीक है. तो मस्त सही काम करो हमेशा, ठीक है. हो सकता है छोटी मोटी गलती हो जाए, बट उसके लिए माफ़ी मांगो, उसे रेक्टिफाई करो. तो क्या होगा, शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ओपननेस आएगी, ओपननेस आएगी तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा गवर्नेंस में, ठीक है. दस इन अ नटशेल अगर हम बात करें, RTI एम्पावर्स पीपल एंड इट टर्न्स एम्पावर्स डेमोक्रेसी. क्योंकि RTI जब पर क्या प्रमोट करेगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन. जब पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा किसी भी डेमोक्रेसी में, तो ऑफकोर्स ये बात है कि डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होगी, ठीक है. नाउ फीचर्स क्या क्या है RTI के, देखो एक तो वो लीगल राइट है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, बट वो एक फंडामेंटल राइट में इम्प्लिसिट है आर्टिकल 19 में. वहीं से उसको निकाल के जो है, वहीं से क्यू लेके उसको लीगल राइट बनाया गया था, ठीक है. नाउ सिटीजन्स जो हैं, PIO जो होते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स या सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं CPIOs, वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं. इनफैक्ट अच्छा मैकेनिज्म है कि अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती तो आप अपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, सॉरी हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. मतलब एक हायरार्की ऑफ वो है, पहले आप अपेलेट में जाएंगे, फिर उससे ऊपर जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लास्ट में, है ना. सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट की दवाएं तो आप कटकटा ही सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बनाए ही आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. देन इम्प्लीमेंटेशन, देखो पॉजिटिव क्या है इम्प्लीमेंटेशन के, एक कल्चर बनता है सिटीजन फ्रेंडलीनेस का, ठीक है. सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को दिखाता है किसी भी सरकार की, कि यार देखो हाँ एक सिस्टम है जहाँ पे जो सरकार है अपना इन्फॉर्मेशन या जो भी उसके पास नॉलेज है वो पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड करती है, और जिससे कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव होती है, ठीक है. देन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, ठीक है, खुद ही से आप डिस्क्लोज करते हैं कहीं. इसलिए देखो, इसीलिए बोला आप, क्या बात उठ रही है कि यार देखो, इससे पहले कि लोग इन्फॉर्मेशन मांगे, आप जो है मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में डाल के रखो खुद ही, कि लोग वहाँ से एक्सेस कर ले. मतलब ये हमने लफड़ा पालना ही क्यों है कि कोई जाके एक मतलब लगा रहा है एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन दे रहे हैं, है ना, लाखों पेजों की फोटोकॉपी हो रही है, ठीक है भैया, आपने उसको डिजिटाइज करो रिकॉर्ड्स को, और जितना मांगा गया वहाँ से उसको हटाओ काट के, और उसको मेल कर दो वहाँ पे सीधा, या उसके घर भेज दो प्रिंट आउट करा के, है ना. कई बार ऐसा होता है कि लाखों पेज होते हैं तो प्रिंट आउट के पैसे लिए जाते हैं अब किससे, जिसने इन्फॉर्मेशन मांगी होती है. देन इट हैज़ लेड टू द रिडक्शन इन करप्शन, मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन अच्छे हुए हैं, ठीक है. एंड इट हैज़ लेड टू ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और इनफैक्ट जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो बेटर हुई हैं, ठीक है. लेकिन नेगेटिव्स क्या क्या हैं, अवेयरनेस कम है लोगों में अभी भी RTI को लेके. इनफैक्ट UNDP की एक रिपोर्ट है वो ये दर्शाती है कि 50% ज़्यादा लोगों से RTI को RTI के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. मतलब सिर्फ 50% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें RTI के बारे में पता है. देन कन्फ्लिक्ट है इसकी राइट टू प्राइवेसी के साथ. देखो इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी उतनी राइट टू प्राइवेसी जो है नीचे चली जाती जाएगी, क्योंकि फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी प्राइवेसी को भी इफेक्ट करेगी ना, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है. देन
आरटीआई का जो इंटेंशन था वो ये था कि यार देखो इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाए और वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करे, ठीक है। बट अब ये पाया जाता है कि 80% ऑफ द आरटीआई है वो लोगों को परेशान करने के लिए, पब्लिक ऑफिशियल्स को परेशान करने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए है, ब्लैकमेलिंग करने के लिए है ना। कई लोगों को तो मतलब ये धंधा बन गया था, मतलब इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको कि ये धंधा बन चुका है कि मैं आपके खिलाफ इंफॉर्मेशन आ गई और मुझे पता लग गया कि आपने कुछ गड़बड़ किया, फिर मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा, यार मुझे ऐसा करो तुम इतने पैसे दे दो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगा या ये पब्लिक में डाल दूँगा मैं या मीडिया को दे दूँगा तुम्हारी इंफॉर्मेशन, तो आदमी डरेगा ही। देन सेल्फ कमिटमेंट लैकिंग है, ठीक है। कैसे? क्योंकि एक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, बड़ा अच्छा ये रिसर्च हाउस है, ठीक है, तो उसने फाइंड आउट किया कि 70% ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट हैप्पी विद द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। देन इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड पब्लिक सर्वेंट एफिशिएंसी। वो कैसे भाई? अब लोग पब्लिक सर्वेंट जो है डरने लगे हैं डिसीजन लेने से, बोल्ड डिसीजन लेने से, जो समय की मांग है उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने से, ठीक है। इसलिए उसी के चक्कर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हमें अमेंडमेंट करनी पड़ी, ठीक है। तो जो कल्चर है थोड़ा सा कम होना चाहिए, मतलब गिविंग एन इंफॉर्मेशन टेकिंग इंफॉर्मेशन का, है ना, थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा अब टाइम के अकॉर्डिंग हमें। और इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, इसमें तो कोई राय नहीं है, ठीक है। इवेलुएट कर लेते हैं आरटीआई को। तो ARC 2 क्या बोलती है कि आरटीआई इज़ दी फर्स्ट मोस्ट इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन सिंस इंडिपेंडेंस। ऑफकोर्स नो डाउट कि बहुत बड़ा ये लेजिस्लेशन था और इसी लेजिस्लेशन को ला के अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के इतने बड़े क्या बोलें हेडी हैं वो, तो ये उन्हीं का एफर्ट था, उन्हीं का एक एनजीओ था, परिवर्तन नाम था शायद उसका, और उसी के ये मतलब उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया इसको लाने के लिए और वहीं से वो फेमस भी हुए थे, है ना। आप समझे कि वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हुए थे तब फेमस हुए, नहीं, वो जब आरटीआई लाने में उनका जो एनजीओ था उसकी वजह से ज़्यादा फेमस हुए। एंड आरटीआई ने एम्पावर किया है लोगों को, सिविल सोसाइटी को, सिटीजन्स ग्रुप्स को, है ना। बट उसके कुछ इशू हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी आरटीआई के अंदर नहीं आती, है ना, वो कहीं नहीं आते, ठीक है। अगर आप जाओगे, ठीक है, और पूछोगे किसी से कि भैया एक समथिंग समथिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा तब जाके वो इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के कितने पैसे कितने किस पार्टी को गए, नहीं तो ये वो पहले बाहर थे। फिर आरटीआई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक हमेशा कन्फ्लिक्ट बनी रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की इंफॉर्मेशन भी डाइवल्ज की जा सकती है अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। तो आपको हार्म तो हो रहा है लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सॉल्व हो रहा है तो डिस्क्लोज कर दी जाएगी। इनफैक्ट एक सेक्शन 22 है आरटीआई एक्ट का, इट स्टेट्स दैट्स द प्रोविजन विल हैव इफेक्ट नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग दैट इज इनकन्सिस्टेंट विद दैम इन द ओएसए। अब ये जो नॉट विदस्टैंडिंग होता है ना, इसको कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, ठीक है। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज होता है जहाँ भी आपको ये दिख गया, मतलब ये ओवर राइडिंग प्रोविजन है, इस अगर इस प्रोविजन से कोई और प्रोविजन टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, ये प्रोविजन बना रहेगा। कुछ सेक्शन हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, जैसे सेक्शन 123, 124, 162, जो विच प्रोवाइड टू होल्ड द डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद द जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो करने पड़ते हैं भैया, अब क्या करें कि सॉरी ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट में था, अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन 123, 124 एंड 162 है वो बोलते हैं कि आपको डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना है। अब वो डॉक्यूमेंट्स का नेचर हो सकता है बहुत सीक्रेटिव हो, फिर भी आपको अगर आप वो इस सेक्शन से कवर हो गए तो आपको करना पड़ेगा। देन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट है, वो क्या कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट टू कम्युनिकेट और पार्ट विद एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जब गवर्नमेंट ऑर्डर देगी आपको तभी वो आपको जो है प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास आरटीआई आ गई तो आप फंस गए बीच में कि आरटीआई तो कह रहा, आरटीआई वाला कह रहा है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन दो, सरकार ने आपको कह रखा है सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट के अंदर कि भैया आप ऐसे बिना स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के आप करोगे नहीं। खैर अब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं ओवर टाइम, ये सब पुरानी प्रॉब्लम्स थी लेकिन ये प्रॉब्लम कहीं कहीं अभी भी आ जाती है, ठीक है। देन आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 में, बड़ा बवाल हुआ कि भैया
जो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है या सेंट्रल के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे उनका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर ले ली कि उनकी सैलरी भी वो फिक्स कर सकते हैं और टेन्योर भी फिक्स कर लेंगे, मतलब उनके पास इंडिपेंडेंस ऑफ टेन्योर एंड सैलरी नहीं है, तो मतलब एक टाइप से क्या है वो इंडिपेंडेंस हार्म हो रही है उनकी, है ना। तो उसने क्या किया कि ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे सवाल उठ गया कि भैया अभी ऑटोनोमस रह भी जाएगा या नहीं रहेगा, बट इट इज़ टाइम टू टेल कि होगा या नहीं होगा। अभी देखो यार, कोई भी ऑर्डर जब पास होता है वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम ही आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, बट प्राइमा फेसाई तो लग रहा था कि इट वॉज डन टू डाइल्यूट द ऑटोनॉमी ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। और क्या क्या इश्यूज़ हैं, पहला है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास एडिक्वेट अथॉरिटी नहीं है टू एनफोर्स आरटीआई एक्ट, ठीक है। अगर कंपल्शन अवार्ड भी करता है कई बार कमीशन तो उसकी कंप्लायंस नहीं होती, पता लग रहा है उसने बोला कि इसे 10,000 रुपये देना, 10 साल बीत गए उस व्यक्ति को 10,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं कंपल्शन के, वो फिर एक केस और करे, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। देन पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया कि पता लग रहा है इंफॉर्मेशन तो तब दोगे जब इंफॉर्मेशन होगी, अब कोई बोलता है अरे सर वो तो उस ज़माने के पेपर थे, वो तो पेपर का फोटो स्टेट भेजा, पता लग रहा है वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ ही नहीं पा रहे हो उसको, ठीक है। देन देर इज़ लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ फॉर रनिंग इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो तो ये तो हर जगह, ये तो हर सरकारी डिपार्टमेंट की दिक्कत है कि एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और स्टाफ नहीं है, ये तो हर सरकारी विभाग का रोना है, इंफॉर्मेशन कमीशन की तो बात छोड़ ही दो आप। देन डाइल्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री लॉज लाइक विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, किसी ने पता लग रहा है इंफॉर्मेशन, वैसे तो मजाक की बात है ये, लेकिन पता लग रहा किसी ने विसल ब्लोअर का नाम ही मांग लिया, ये बताओ कि मुझे आप ये बताओ कि मेरी शिकायत किसने की थी, है ना, तो वो क्या करेगा, कई बार डाइल्यूट हो जाते हैं जो सप्लीमेंट्री लॉज हैं, तो ये सब भी देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब आते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट पे। देखो कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया में तो कोडिफाइड है, कोड ऑफ कंडक्ट तो लिखा हुआ है, और कोड ऑफ कंडक्ट कोई आज का नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट चला आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों ज़रूरी भी हैं क्योंकि ये गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट्स भैया वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, वो सोसाइटी के हित में उनको काम करना होता है और उनके जो भी डिसीजन होते हैं वो पीपल को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और जब वो पीपल को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि उन पर चेक्स रखे जाएँ, नहीं तो वो तो कुछ भी कर देंगे, पता लग रहा उनका जो मन है वो कर रहे हैं, ठीक है। वो सोवरेन फंक्शंस करते हैं, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट एक्ट करते हैं, और उनके पास लॉट्स ऑफ डिस्क्रिशन है, तो भैया उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या एक टाइप का एक्सटर्नल चेक्स ऑन बैलेंसेस है, और कोड ऑफ एथिक्स क्या हो जाएगा, इंटरनल चेक्स ऑन बैलेंस, कि भैया ठीक है हो सकता है किसी चीज़ पे कोई रूल ना हो लेकिन अपनी भी तो कंसाइंस है यार, मुझे सही करना है या नहीं करना। मैं आपको शुरू से एग्जाम्पल देते हुए आ रहा हूँ, जो PDS वाला एग्जाम्पल था छत्तीसगढ़ का, कि आप वहाँ पे आपके पास रूल आ गया कि आधार के बिना आप राशन नहीं देंगे, आपने लॉ तो मांगा, आप कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग भी ठीक थे या लीगली सही थे, ठीक है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में आप रॉन्ग हो जाओगे क्योंकि उस राशन ना देने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स दोनों ज़रूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये किसने कहा था, लॉर्ड एक्टन ने कहा था, ठीक है। इनफैक्ट कौटिल्य के टाइम पे भी कोड ऑफ कंडक्ट था सिविल सर्वेंट्स का, ठीक है, एंड इंडिया में जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए एक्सप्लिसिट कोड है, लेजिस्लेचर के लिए कुछ अलग बातें कही गई है और जजेस के लिए अलग बातें कही गई हैं, हम आगे देखेंगे। इसीलिए ओवर द टाइम जब हम आज़ाद हुए तो पाया गया कि यार ठीक है जजेस के लिए एक सेपरेट कोड होना चाहिए, जैसे अब जजेस इंक्वायरी एक्ट है, ठीक है। अब उसमें भी देखो प्रॉब्लम हर जगह है, परफेक्ट कुछ नहीं है, बट अभी कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब खुले हैं, खुले कोई नहीं है, सबके ऊपर कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज है, क्योंकि डेमोक्रेसी चेक्स एंड बैलेंसेज पे काम करता है, ठीक है, और चेक्स एंड बैलेंस नहीं होंगे और इतना डिस्क्रिप्शन दोगे तो हो सकता है कि भैया फिर तो ऑटोक्रेसी हो जाएगी या मोनार्कल टाइप सिस्टम हो जाएगा कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। फिर लेजिस्लेचर मिनिस्ट्रीज़ के लिए ARC 2 ने कोड ऑफ कंडक्ट रिकमेंड किया था, ठीक है, और जो अदर फंक्शनरीज हैं उनके लिए स्टैट्यूट्स हैं, रूल्स हैं, बट वो इफेक्टिव तो है नहीं, ये देखा गया है, ठीक है। नाउ ऑल सिविल सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट्स बट पब्लिक सर्वेंट्स आर नॉट सिविल सर्वेंट्स, ये हमेशा याद रखना, सिविल सर्वेंट्स वही हैं जो आर्टिकल 309 से 311 के में कवर होते हैं। तो इंडिया एक अकेली कंट्री है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है सिविल सर्वेंट्स को, उन पे जो उनका जो हटाने का तरीका है वो तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और ये आर्टिकल 311 ही है जो कई बार रुकावट बन जाता है उनके रिमूवल में, ठीक है। दस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर पब्लिक सर्वेंट
को नीड है कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट रखे, बिल्कुल ही आप गए गुजरे ना हो जाएं, गिरे हुए ना हो जाएं। देन देर इज़ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो इंडिया में मैंने आपको बताया, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री दैट हैज सिविल सर्वेंट रेगुलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 309 to 311। एंड देन देर इज कंडक्ट रूल्स, वेरियस कंडक्ट रूल्स। फर्स्ट इज सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964, देन देर इज सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। दो बार क्यों लिख दिया? ठीक है, पता नहीं, जब मैं पढ़ रहा था तो सही था। ये एक प्रकार से एक और कंडक्ट रूल्स थे वो वाले हैं ये। ठीक है, देन देर इज ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 2014 के। ठीक है, तो ये तो 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब बनाए गए थे। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस, तो देखो आपको बताओ, ऑल इंडिया सर्विस तो तीन ही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ओनली दिस थ्री सर्विसेज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो तो ऑल इंडिया सर्विस बनाएंगे कैसे, कौन बनाता है, कौन सा हाउस बनाता है और कौन से आर्टिकल के अंदर बनती है, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। खैर, कमिंग बैक टू आर लेक्चर, इंडियन पिनल कोड, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इनमें जो प्रोविजन है कि आप करप्शन करोगे तो आपकी भैया आपको सजा मिलेगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करी अननेसेसरी पब्लिक में तो उसमें आपको सजा मिलेगी। इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे वो हैं, आपको इंडियन पिनल कोड में तो आपको एज अ पब्लिक सर्वेंट सेफ्टी भी है और आपको नुकसान भी है। तो ये सब क्या है, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट ही है एक टाइप के, क्योंकि कोडिफाइड है, दे आर मोर लीगल इन नेचर, दे आर मोर रूल बेस्ड, दे आर मोर प्रोसीजरल बेस्ड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्ट रूल्स क्या होते हैं, दे आर एनफोर्सिएबल। ठीक है, वो डिफाइन करते हैं प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, दे आर मतलब वो थोड़े से डूज एंड डोंट्स के नेचर में होते हैं, इसीलिए जो है ये क्रिटिक भी है कि जो कंडक्ट रूल्स हैं वो डूज एंड डोंट्स के नेचर में हैं, इसीलिए ओवर द टाइम ज़रूरी हो जाता है कि कोड ऑफ एथिक्स रहे। देन दे आर एसेंशियल फॉर गुड बिहेवियर, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। वायलेशन ऑफ द रूल्स इज कंसिडर्ड एज मिसकंडक्ट एंड देयर मे बी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। तो डिसिप्लिनरी एक्शन बेसिकली एट टाइप्स की हमने डिवाइड किए, तो चार माइनर चार मेजर। फर्स्ट है रेप्रीमांड, करते हैं आपको एक रेप्रीमांड मतलब डिसअप्रूवल। ठीक है, आपकी बात से कि आपसे बात से सहमत ना हो, है ना, आपने एक फाइल भेजी, मैंने उसमें एक नोट बना के भेज दिया साइड में, नहीं आपने ठीक नहीं किया, इसको दोबारा आप देखें। देन विडहोल्डिंग योर इंक्रीमेंट, है ना, आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए, आपका प्रमोशन रोक दिया जाए और जो भी आपके वजह से लॉस हुआ है कि आपसे ही रिकवर किया जाए। ठीक है, और ये तो माइनर टाइप के डिसिप्लिनरी एक्शंस थे। मेजर में आपको जो है यू कैन बी लोअर्ड इन रैंक, आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है, आपको रिमूव किया जाता है। रिमूव में क्या होता है कि देयर इज चांस ऑफ रीइंस्टेटेड, है ना, वो तो ना सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंड में क्या है कि ठीक है आपको दोबारा वापस बुला लेंगे, लेकिन आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया तो देर इज़ नो चांस ऑफ रीइंस्टेटमेंट। तो डिसमिसल इज़ दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी सिविल सर्वेंट। ठीक है, फिर एक पेंशन रूल है सिविल सर्वेंट के लिए। ठीक है, अब पेंशन रूल क्या कहता है कि आप सिविल सर्वेंट्स को रिमूव कर सकते हैं इफ़ दे आर नॉट एफिशिएंट, अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो आप सिविल सर्वेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दस और इस ग्राउंड को सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया था दैट इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 311। अब आर्टिकल देखो, आर्टिकल 311 कहता क्या है, देखो आर्टिकल 311 ये कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट जिसको कि जिस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है उसको उससे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकती। अब सिविल सर्वेंट के केस में होता क्या है कि उन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो उनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो ये बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आर्टिकल 311 में लिखा हुआ है। और तो जब भी आप जाएंगे तो आपको लेटर्स आएंगे प्रेसिडेंट की तरफ से, द प्रेसिडेंट इज हैप्पी या ऐसे करके लेटर्स आते हैं। तो आर्टिकल 311 रिमूवल के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, बट जो पेंशन रूल है उसके अंतर्गत अगर आप एफिशिएंट नहीं है तो आपको हटाया जा सकता है। तो पेंशन रूल जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने थोड़ा नए फॉर्म में लगा दिया, उन्होंने कहा कि यार 15 साल के बाद ना हम आपकी सर्विस रिव्यू करेंगे, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम आपको वार्निंग देंगे, फिर 25 साल के बाद फिर करेंगे, और अगर आप सेटिस्फैक्टरी आपकी सर्विस नहीं होगी ना तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इसी के चलते 50 ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर भी चुकी है सरकार अभी तक, है ना, कईयों को टर्मिनेट कर दिया है, कईयों को कंपल्सरी रिटायरमेंट में भेज दिया है कि भैया तुम ऐसा करो घर जाओ, तुम्हारे बस का है रहा नहीं अब काम करना। दस देर आर मैनी रूल्स प्रोसीजर्स एंड लॉज
एक्ट एज कंडक्ट रूल बट देर इज नो सिंगल कंडक्ट रूल टू गाइड बिहेवियर। इसीलिए हमें कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी बातें कंडक्ट रूल्स कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो वैसा ना करो ऐसा करो वैसा ना करो, लेकिन हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारे पास क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो कंडक्ट रूल्स में ना आते, वो कोड ऑफ एथिक्स ही बताएगा। बट फिर भी कहीं जगह कंडक्ट रूल्स में भी लिखी होती हैं वैल्यूज़। ठीक है, अब इशू क्या है कंडक्ट रूल्स के साथ? पहली बात तो डिलेड इंक्वायरी, पता लग रहा है सालों लग रहे हैं इंक्वायरी होने में। ठीक है, देन लॉबीज़ होती हैं, IAS IPS नेक्सस होता है पॉलिटिशियंस के साथ। कहीं पता लग रहा है, कई बार क्या होता है कि एक ही केस में दो बंदे जो हुए वो फंसे, इसका पर्सन ए का जो है बड़ा अच्छा कॉन्टैक्ट था पॉलिटिकली, वो मंत्री से कनेक्टेड था, तो उस पता लग रहा है वो तो छूट गया और बी वाला फंसा रह गया, वो जेल चला गया, उस सारा बर्डन उस पर डाल दिया, तो ये देखा गया है। ठीक है, या और फिर जो जॉइंट सेक्रेटरी या अबव की पोजीशन वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए परमिशन लगती है फ्रॉम दी हायर अथॉरिटी। ठीक है, ऑल्सो दी अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाइबिलिटी किस पे है? सिविल सर्वेंट पे है टू प्रूव इनोसेंस, तो इसको चेंज करने की भी ज़रूरत है। ये मतलब ये आपका उसमें आ जाएगा किस में, वे फॉरवर्ड में या व्हाट्स नीड्स टू बी डन में या सॉल्यूशन में, कि भैया ऐसा है कि जो आरोप लगा रहा है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ हो कि ये इसने गलत काम किया है। हम पे आरोप लग जाता है फिर सिविल सर्वेंट्स पे ही बर्डन भी आ जाता है कि इनोसेंस रहे, इसलिए वो डरते भी बहुत हैं काम करने से। ठीक है, और देखो यार, हर चीज़ के लिए कंडक्ट रूल्स नहीं बनाए जा सकते, आदमी की अपनी अंतरात्मा और कंसाइंस बहुत वो जो एथिकल चेक्स है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए रूल नहीं बना सकते ना, यू कैन नॉट हैव रूल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, और कंडक्ट रूल्स क्या होते हैं? दे आर ऑफन रिस्ट्रिक्टिव रादर देन अफर्मेटिव ऑब्लिगेशन, प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं नेचर में, है ना, और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है कई बार उनको समझना ही मुश्किल हो जाता है। फिर कई बार लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि भैया इसका मतलब तो समझाओ, ये इन्होंने क्या लिख दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है, दस इंक्वायरी शुड प्रूव बियॉन्ड डाउट ऑफ कंडक्ट रूल्स विच इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव, है ना। इनफैक्ट अगर CVC ने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बोला है कि भैया ये 100 आपके सिविल सर्वेंट जो हैं करप्ट, इनके खिलाफ इंक्वायरी करिए, तो ऐसे लिखा गया कि 2-3 के खिलाफ होते हैं, और इसी के चलते ऐसे ही लोकायुक्ता के साथ भी ऐसे ही करते हैं सरकार, क्योंकि सरकार के पास देखो एट द एंड ऑफ द डे वो तो सरकार काम जो है सरकार को करना है। ठीक है, इसलिए आप हाई कोर्ट्स में चले जाएंगे या किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे तो उसमें वहाँ पे केस के साथ साथ कंटेंट प्रोसीडिंग्स भी साथ साथ चल रही होती हैं, कि कोई ऑर्डर दिया कोर्ट ने, उस कोर्ट को मानने को राजी नहीं है, फिर एक कंटेंप्ट का मुकदमा होता है, फिर जब कंटेंप्ट होता है तो कंटेंप्ट में जाके फिर काम होता है, तो इतना लंबा खिंचाव आ जाता है ऊपर आदमी, और इतने लंबे में तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ARC 2 की रिकमेंडेशन थी, मतलब सेकेंड ARC की क्या रिकमेंडेशन थी कि भैया आप जो इंक्वायरी के स्टेप्स हैं उसे कम करो, आप लॉ को सिंप्लीफाइड बनाओ। देखो अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था कि द लॉ शुड बी सो सिंपली दैट इट शुड बी, मैं उसको पॉकेट में रख सकूँ, है ना, और सो और उसको अंडरस्टैंड एक कॉमन आदमी को भी समझा सकूँ, एक जो सबसे गरीब व्यक्ति है जो सबसे अनपढ़ व्यक्ति है उसे भी लॉ को समझा सकूँ, या उसे भी लॉ समझ में आए, लॉ को वैसा होना चाहिए सिंप्लीफाइड। बट हम तो क्या, हम तो कॉलोनियल माइंडसेट के हैं भैया, भयंकर भयंकर इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं कई बार, तो मैं आपको बताऊँ, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद लॉ पढ़ने में कई बार समझ में नहीं आता है। ठीक है, दस लॉ शुड बी सिंप्लीफाइड सो दैट इट इज़ इफेक्टिव एंड एडुकेट। ठीक है, आर्टिकल 311 को अबॉलिश किया जाए ताकि ये क्या करेगा, रिमूवल को आसान बना देगा सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, देन देयर शुड बी कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड देयर शुड बी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, एंटी करप्शन लॉ को कमेंड किया जाना चाहिए और उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उनको इस प्रकार से बैलेंस किया जाना चाहिए कि लोग डिसीजन लेने में डरे ना, बोनाफाइड एरर्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए लेकिन मॉडिफाइड एरर्स एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे और क्या होना चाहिए, कुछ केसेस में इनोसेंस को प्रूव करने का जो जिम्मा होना चाहिए वो इंक्वायरी कमेटी पे होना चाहिए, बट अगर आप जैसे कुछ केसेस जैसे एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट केसेस, जैसे कि ICR संपत्ति वाले केस हैं, तो उसमें क्या होता है कि इट शुड बी ड्यूटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स टू प्रूव इट्स इनोसेंस। ठीक है, और ऐसे लॉज ऑलरेडी हैं भी जम्मू एंड कश्मीर और बिहार में। ठीक है, और अगर आप इंफॉर्मेशन या अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाते हैं ICR संपत्ति के केस में, तो वो प्रॉपर्टी आपकी अटैच होगी और आपको कम से कम 6 से 7 भर की जेल होनी चाहिए। एंड देन देयर शुड बी अ एथिक्स कमिश्नर टू एनफोर्स गुड कंडक्ट एंड गुड डिसिप्लिन अमंग लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो ये एथिक्स कमिश्नर होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में, उसमें खैर UK में तो होता ही है ये, एंड हाउस में भी एथिक्स कमिश्नर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकेंड ARC की रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, देन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जुडिशियरी। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, अभी तक तो हमने पढ़ा कि सिविल सर्वेंट्स के बारे में। देखो लेकिन जुडिशियरी भी तो स्टेट का आम है, जुडिशियरी पे चेक रखना भी तो ज़रूरी है, तो
तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स फुल कोर्ट, मतलब सब जजेस, जितने भी जजेस थे उस टाइम सब बैठे हुए थे, सब ने इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन May 7, 1997 यूनानिमसली अडॉप्टेड अ चार्टर कॉल्ड रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, जनरली नोन एज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। उसमें उन्होंने क्या किया कि जजेस का इम्पार्शियल बिहेवियर होना चाहिए। देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर अ जज। इम्पार्शियल आपको होना ही होना है। अगर कोई भी जज इम्पार्शियल नहीं हुआ तो जो है, मतलब जुडिशरी जो है गर्त में चली जाएगी, क्योंकि वही आपका जो आपका इम्पार्शियल बिहेवियर है वही पीपल्स के फेथ को आप में बनाए रखेगा। दैट रिपोजेज और दैट रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस। ठीक है, तो आपका बिहेवियर जो होना चाहिए वो इम्पार्शियल होना चाहिए। यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्टोरल प्रोसेस। आप किसी भी क्लब, सोसाइटी, किसी एसोसिएशन में इलेक्टोरल प्रोसेस में ना जाएं। ठीक है, आपको जो है अपने व्यूज़, पॉलिटिकल व्यूज़ या कोई भी व्यूज़ है, मतलब लीगल व्यूज़ तो आप ऑफकोर्स पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है लॉ स्टूडेंट्स को सीखने के लिए या उनको लर्न करने के लिए। बट अ जज शुड नॉट एक्सप्रेस हिज व्यूज़ पब्लिकली ऑन पॉलिटिकल मैटर्स। देन यू शुड हैव अ काइंड ऑफ अलॉफनेस। अलॉफनेस मतलब आपको थोड़ा दूरी रखनी है। ठीक है, जैसे जजेस कंडक्ट रूल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पार्टीज में नहीं जाना है, या आप जिसका केस लड़ रहे हैं या कोई आपका, आपकी कोर्ट में किसी का केस चल रहा है ना, मान लीजिए ए बंदे का, ए बंदे ने पार्टी थ्रू करी, आपको नहीं जाना है, तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जजेस पे, तो उन्हें वो अलॉफनेस ये कभी कभार आइसोलेशन में भी ले जा देती है उन्हें। बट क्या करें, ये अलॉफनेस मेंटेन करनी पड़ती है उनको। देन यू शुड नॉट एनकरेज नेपोटिज्म। ठीक है, उनको जो भी मैटर्स हैं नियर फैमिली, नियर एंड डियर फैमिली के, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देन देर शुड बी डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, कि हर जज जो हैं जो भी उनके एसेट्स हैं, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, गहना, ज्वेलरी, सबको वाइफ के, स्पाउस की पास के कितना है वो सब जो है डिस्क्लोज करना पड़ता है, चिल्ड्रंस के पास कितना है सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो सेकंड ARC की रिकमेंडेशन थी कि एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनाए। जो ये रिकमेंडेशन थी ना, ये एक्चुअली NJAC वाली रिकमेंडेशन थी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन टाइप का रहे जिसमें कि सब रहें और वो अपॉइंटमेंट और रिमूवल और ट्रांसफर ऑफ जजेस को देखे एट हायर लेवल। बट ये बन ही नहीं पाया क्योंकि आपको पता है बना तो था, रजिस्ट्रेशन में पास भी कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था। ठीक है, तो अगर नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनाना पड़ता तो उसमें आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 के क्लॉज 4 में इन सब में अमेंडमेंट करनी पड़ती। ठीक है, और क्या बोला कि यार देखो, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो उन्हें डेजिग्नेट करोगे जो जुडिशियल वैल्यू कमिश्नर। ठीक है, जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे तो वहाँ पे भी, या सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग जो है वहाँ पे भी वेरियस कमेटी हैं, वहाँ पे भी एथिक्स कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, ई गवर्नेंस या ई कमेटी है, कि जस्टिस चंद्रचूड़ है वो, उनका काम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उनको जो है डिजिटाइजेशन बढ़ानी है। ठीक है, तो कमेटीज़ होती हैं, वैसे ही सेकेंड ARC ने बोला कि देखो सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं, एक जज को जो है जुडिशियल वैल्यू कमिश्नर बनाएं जो कि देख रेख करेगा कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और ऐसे ही आप सिमिलर अरेंजमेंट कैन बी मेड इन दी हाई कोर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, देन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लेजिस्लेचर, ये तीसरा आम है। तो सिविल सर्वेंट्स, एग्जीक्यूटिव था, देन जुडिशरी, अब लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा तो देखो लोग उनको चुन के भेजते हैं कि भैया आप जाओ और हमारा काम करो या हमारी देख रेख करो या हमारे हित के लिए जो भी काम है वो करना है। तो दे नीड टू अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, उनको पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए रखा जाता है, तो उनको देश शुड वर्क वेरी डिलीजेंटली टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी और मैंडेट फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल। दे शुड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी। ठीक है, दैट मीन्स दे शुड कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू ट्रांसलेट द आइडियाज लेड डाउन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन टू रियलिटी, नॉट ओनली इन द प्रीएम्बल बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यूज हैं उसको जो है बनाए रखने के लिए, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ दी गई हैं जैसे फ्रेटर्निटी है, सेकुलरिज्म है, उसको बनाए या उसको प्रमोट करने के लिए उनको काम करना चाहिए। एंड थर्ड है कि दे नीड टू अपहोल्ड पब्लिक सर्वेंट वैल्यू, क्योंकि वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, इलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि दे हैव हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, दे शुड हैव अ वेरी डिसेंट कंडक्ट, दे शुड कंडक्ट देयर बिजनेस विद डिग्निटी एंड विद वैल्यूज़ इन पब्लिक लाइफ। जैसे कई बार क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है किसमें, आपके फैमिली इंटरेस्ट में और आपको,
तो आपको ये देखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, आपको हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही काम करना है। सेकेंड ARC का व्यू क्या था? सेकेंड ARC का व्यू था कि एनफोर्समेंट ऑफ एथिकल नॉर्म्स इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन एब्सेंट ऑन मैनी ओकेजन इन इंडियन पार्लियामेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन की दी, उन्होंने कहा कि आपके पास समथिंग कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। उससे क्या होगा, इट विल हेल्प मेंबर्स बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एडवाइस इन मैटर्स रिलेटिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट विल आल्सो एनहेंस एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको बढ़ावा देगा एंड दस इट शुड फंक्शन अंडर द स्पीकर ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड ऑल्सो नीड, क्योंकि एथिक्स कमेटी तो ऑलरेडी अभी पार्लियामेंट में है तो वो उसको असिस्ट भी कर सकता है, ये रिकमेंडेशन थी। देन मिनिस्टर्स पे आ जाओ, ये तो जो नॉर्मल MPs हैं उन पे भी लगेगा ये वाला जो लेजिस्लेचर्स था या लेजिस्लेटर्स था, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट। फिर आप उनमें से चुन के मिनिस्टर्स आ गए तो मिनिस्टर्स देखो ज़्यादा काम करते हैं, है ना। एज ए MP आप जितना भी काम करते हो, फिर मिनिस्टर्स आ जाते हैं, मिनिस्टर्स तो भैया मिनिस्ट्री है उसके अंडर, तो पूरा काम ही उसके अंडर से होना है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स हो, मिनिस्टर्स अपनी फैमिली अपने नियर डियर के, नियर फैमिली के तो एसेट डिस्क्लोज कोई नहीं करता है, बट ऐसा है कि मतलब खुद वाइफ और बच्चों के तो एसेट डिस्क्लोज किए जाए, ठीक है। देन आप यू शुड नॉट एक्सेप्ट वैल्यूएबल गिफ्ट्स फ्रॉम दी पीपल, मैं तो मतलब यहाँ इवन फ्रॉम दी क्लोज रिलेटिव ऑल्सो, क्योंकि वो आपको फिर बैड लाइट में प्रोजेक्ट करता है, भाई बाद में जब हट जाओगे तब ले लेना गिफ्ट, है ना। देन यू नीड टू मेंटेन अ नो कनेक्शन विद द बिजनेस कम्युनिटी, है ना, बिकॉज एट टाइम्स यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन विद देम, यू कैन हैव अ डिबेट विद देम, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। आप टेलीकॉम सेक्टर की एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, आप भारतीय आप एयरटेल या जियो के डेलीगेशन को बिना बुलाए या उनसे बिना डिस्कस के पॉलिसी बनाएंगे तो फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे दे आर द पीपल हु हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे डिस्कशन करें, बट ऐसा नहीं कि आप मतलब शाम को पार्टियाँ चल रही हैं साथ में बैठे हैं, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको एक इम्पार्शियलिटी वहाँ पर दिखानी है, ठीक है। दस और जो आपके स्पाउस हैं ऐसा कर सकते हैं कि जो फॉरेन गवर्नमेंट में या कहीं भी आपको जो अगर उनके आपकी स्पाउस को जॉब करनी है किसी फॉरेन गवर्नमेंट में कि ऑफिस में, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लगे। तो सेकंड ARC का व्यू क्या था मिनिस्टर्स के ऊपर, उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है एक तो मिनिस्टर्स के लिए, एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो है कोड ऑफ एथिक्स को अमाउंट नहीं करता है। उसके लिए उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की कि आप डेडिकेटेड यूनिट्स बनाएं, किसके ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, जो कि कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप कोड ऑफ कंडक्ट तो आपके पास है, बट आप कोड ऑफ एथिक्स बनाएं, और कोड ऑफ कंडक्ट भी देखो आपको पुराना हो रहा है आज के लिए, आज आपको आज के नीड के अकॉर्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि द कोड ऑफ एथिक्स शुड इंटर एलिया इंक्लूड ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप एंड द कोड ऑफ कंडक्ट शुड स्टिपुलेट द डिटेल्स रिगार्डिंग इट। ब्रॉड प्रिंसिपल्स आप कोड ऑफ एथिक्स में डाल दो और जो डिटेल्स हैं वो आप कोड ऑफ कंडक्ट में डाल दो, उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और जो भी एनुअल रिपोर्ट है कि किसने कैसा काम किया, दैट शुड बी पुट इन दी पब्लिक डोमेन। तो ये वही वाली बात आ गई कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसको, उससे क्या होगा कि पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी जो है आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। देन अब आ जाते हैं कोड ऑफ एथिक्स पे। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? देखो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो थोड़ा सा मैंने क्या बोला कि रूल्स एंड प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो आपको वो आपकी अकाउंटेबिलिटी तो को तो प्रमोट करेगा या अपहोल्ड करेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करता है, ठीक है, मॉरल बिहेवियर की बात नहीं करता है, वैल्यूज़ की बात नहीं करता है। उसके लिए चाहिए आपको कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट डील्स विद द मॉरल बिहेवियर, इट इज़ अबाउट डिजायरेबल लेवल ऑफ कंडक्ट, इट इज़ अबाउट द डिजायरेबल लेवल ऑफ कंडक्ट। जैसे वो आपको क्या चक्कर है कि आप ऑनेस्ट हैं नहीं हैं, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, वो उससे डील करेगा। देन वो आपके इनर एस्पेक्ट से डील करता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, आपकी कंसर्न्स को चेक करेगा कि भैया आपने सही काम किया नहीं किया, आपको सेल्फ कमिटेड आपको बनाएगा। तो ऑल टुगेदर जो कोड ऑफ एथिक्स जो होता है ना वो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। वो बट ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये डिज़ायरेबल है और इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। इनफैक्ट अब कोड ऑफ एथिक्स ही एनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। देखो बोला जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट आप उसके लिए लेजिस्लेचर नहीं बना सकते कि भैया आपको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि यार सब्जेक्टिविटी या ऑनेस्टी तो ठीक है, तो उसमें आप उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स जो है डिजायरेबल बनता जा रहा है पॉलिसी मेकर्स, कमिटीज, इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सर्वेंट सब के लिए, ठीक है, इसलिए सब जो है अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
अब वो डिज़ायरेबल बन चुका है, लेकिन इंडिया में जो अभी भी वो है वो लेस डेवलप्ड है। इनफैक्ट यूएन हो गया, यूएनडीपी हो गया, ओईसीडी हो गया, ये कोड ऑफ एथिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यूएस और यूके में क्या है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एथिक्स है अलग से, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द नोलन कमेटी, मैंने आपको 7 प्रिंसिपल जो पढ़ाए थे ना उस पर बेस्ड है, उसकी जो 7 वैल्यूज़ हैं उन पर, ठीक है। देन इंडिया में कोड ऑफ एथिक्स की क्या हिस्ट्री रही है, एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने 1997 में एक एथिक्स फॉर पब्लिक सर्विसेज कोड बनाया था, ठीक है, बट ये कभी लागू नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद होटा कमेटी आई, ARC 2 आई, गवर्नमेंट ने 2006 में पब्लिक सर्विस बिल लाया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। तो आज भी हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स के नाम पे कुछ नहीं है, बस जो इधर उधर से बातें चल रही है वही बात चल रही है। तो सेकंड ARC ने भी रिकमेंड किया कि यू शुड हैव अ कोड ऑफ एथिक्स, देयर शुड बी सिविल सर्विसेज विच विल बी नोन एज सिविल सर्विस कोड, एंड दैट शुड हैव वैल्यूज लाइक, और दैट शुड प्रमोट वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी एंड ओपन अकाउंटेबिलिटी, बट स्टिल इट हैज़ नॉट बीन अडोप्टेड, ये अभी तक इट हैज़ नॉट सीन दी लाइट ऑफ द डे, अभी तक इफेक्ट में नहीं आया है। कंपैरिजन देख लेते हैं कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में, ठीक है, इंटरचेंजेबल है, बहुत सारा ओवरलैपिंग है। जैसे कंडक्ट रूल्स इन इंडिया हैव एथिकल प्रिंसिपल्स, जैसे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 2014 में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रैलिटी, कंपैशन, सोशल जस्टिस, ये होना चाहिए था कोड ऑफ एथिक्स में, लेकिन उन्होंने जब 2014 में जब ऑल इंडिया सर्विस रूल बनाया तो उन्होंने इसको वहीं डाल दिया, अच्छी बात है। तो ये ओवरलैपिंग हो गई, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो थोड़ा लीगल साइड है, वो लीगल सेक्शन है, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो मॉरल साइड को जांचता है आपकी, दैट एक्ट्स एट अ काइंड ऑफ मॉरल सेंक्शन। देन कोड ऑफ कंडक्ट जो है इट डील्स विद द अकाउंटेबिलिटी, कोड ऑफ एथिक्स डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देन कोड ऑफ कंडक्ट इज़ द क्वालिटी, लीगल क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, बट इट कोड ऑफ एथिक्स डील विद द मॉरल क्वालिटी ऑफ डिसीजन। कोड ऑफ एथिक्स इंटरनल इन नेचर, कंडक्ट जो है थोड़ा एक्सटर्नल है, ये एनफोर्सिएबल है और ये डिज़ायरेबल है, तो डिज़ायर तो कोड ऑफ एथिक्स ही है, ठीक है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स वी नीड कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, जैसे MP MLAs, मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स के लिए जैसे मेडिकल एथिक्स है, मेडिकल एथिक्स मैंने आपको पढ़ाया भी है ना, मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स, जजेस, रेगुलेटरी बॉडीज़ है ना, हर किसी के लिए हमें कोड ऑफ एथिक्स चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स क्या प्रमोट करता है, वो आपका गुड बिहेवियर प्रमोट करता है, वो आपको लॉ से बाउंड नहीं रखता, क्योंकि कहीं अगर कोड ऑफ एथिक्स जो है चार चीज़ों को, अगर ह्यूमन नेचर की 100 एस्पेक्ट है ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है 4 या 5 को ही कवर कर पाएगा, जो 90% जो बाकी बचे हैं या 95% जो बाकी बचे हैं उसको जो है कोड ऑफ एथिक्स कवर करता है, ठीक है। जो ग्रे एरियाज हैं, जैसे मैक्स फोर्टिस हॉस्पिटल में क्या हुआ था, गब्बर मूवी देखी किसी ने, कि वो बिल या बिल पे किए बगैर बॉडी रिलीज नहीं करते हैं, तो वो क्या है, मेडिकल एथिक्स हैं। गोरखपुर में इतने सारे बच्चों की डेथ हो गई है ना, बस मियरली कैंसिलिंग लाइसेंसेस और किसी को अकाउंटेबल ना ठहराना गलत बात है, और किसकी कंसाइंस पे क्या लगाओ किसी कोई नहीं जानता, तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि उसको जो है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों को अच्छे से लागू किया जाए, लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाए, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिशन एंड अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ये तो उसको देने ही देने हैं। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, स्टेट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बेस्ड है, इट होल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट है उसको, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अभी तक लागू है। जिस दिन ये टूट गया, अब देखो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फेल हो गई, उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन ना आए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों का जो विश्वास है स्टेट में वो बना रहे। इंडिया में तो खैर अभी ऐसी स्थिति बहुत दूर दूर तक नहीं दिखा देती, बट फिर भी गवर्नेंस के एस्पेक्ट से बहुत ज़रूरी है कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छी तरीके से लागू किया जाए। तो दैट वॉज ऑल इन दिस लेक्चर, वी शैल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।